हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं कॉन्टीन्यूस लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो अडमारल है वो हमारे चांगली को कन्फ्रंट करता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम किसी को फेक मैरिज करने के लिए ढूंढ रहे थे, है ना। तभी जो चांगली है वो उससे बोलता है कि हाँ। तो फिर अडमारल उससे बोलता है कि तुम्हें सिर्फ मुझे कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत थी और मैं तुम्हारे लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। तो अभी हमारा चांगली उससे बोलता है कि तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, क्योंकि जो मेरे पेट में बच्चा है वो तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी लूटो का है, जो कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और तुमने उसे किल कर दिया है। अभी हम देखते हैं इस एपिसोड में अडमायरल उससे बोलता है कि चांगली प्लीज़ काम डाउन हो जाओ, तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ ना कि वो। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम इस बेबी को चाहे किसी भी पर्सनालिटी से रिलेट करो, बायोलॉजिकली ये मेरा ही बेटा है या फिर मेरा ही बच्चा है। तभी जो चांगली है ना वो उससे बोलता है कि तुम तो मुझे हेट करते हो। और फिर वो उससे बोलता है कि हम दोनों का अलग होना ही ठीक होगा, है ना। तभी अडमायरल उससे बोलता है कि तुम मुझे तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आता। और फिर वो अपने मन में सोचता है अडमायरल कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। फिर जो अडमायरल है ना वो उससे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। और तभी चांगली उससे देखने लगता है कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी अडमायरल उससे बोलता है कि जब तुम्हें मुझसे मैरिज करनी थी तब तुमने मुझे धमकी दी और मुझसे मैरिज कर ली, और अभी तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो, तुम यहाँ से भाग जाना चाहते हो बिना किसी सबूत के छोड़े। और तभी वो उसका चेहरे को पकड़ता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे अपने उन ज्वेलर्स की तरह मत समझो जिन्हें तुम जब चाहे लाइक करते हो और जब चाहे फेंक देते हो। मतलब कि वो उससे बोलता है कि तुम मुझे कोई ज्वेलरी पीस मत समझो। और तभी चांगली उसे देखने लगता है और फिर वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कारण जो अडमायरल है उसके अंदर जो इमोशनल चेंजेस आने लगे हैं। इसके अलावा अडमायरल उससे बोलता है कि तुम मुझे उन सारी चीज़ों की तरह मत समझो जैसे कि तुम पहले किया करते थे। तुम्हें जो चीज़ पसंद आती है तुम उसे ले लेते थे और जो चीज़ नहीं आती पसंद तुम उसे फेंक देते थे। तभी चांगली उससे बोलने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। और फिर वो सोचता है कि वैसे ये सही बोल रहा है, मैं पास्ट में ऐसा ही था, जब भी मुझे कोई चीज़ पसंद आती थी तो मैं उसे ले लेता था और जब भी मैं उससे बोर हो जाता था मैं उसे फेंक देता था और नई गोल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। और फिर वो सोचता है लेकिन अभी पूरी तरह से बदल चुका हूँ। और फिर वो उसे बोलने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। लेकिन अडमायरल उसकी बात नहीं सुनता और उससे बोलते हैं कि तुम ऐसा ही हो, तुमने ऐसा ही किया, जब मेरी दूसरी पर्सनालिटी आई तो तुमने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया। और फिर वो उससे बोलता है कि तुमने मुझे भुला दिया, तुम्हारे रियल हस्बैंड को। तभी वो उसे देखने लगता है। तभी चांगली उसे बोलता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, तुम हमेशा ही मुझसे बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव किया करते थे। इसके अलावा जब तुम्हें एमनेशिया हुआ था तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा काइंडली बिहेव करते थे और मुझे लाइक करते थे। इसके अलावा मेरे साथ काफ़ी हैप्पीली इन्जॉय करते थे हर चीज़, इसलिए मैं यही चाहता था कि तुम, मतलब जो तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी ल्यू तो है, वो मेरे साथ थोड़ी देर और रहे। तभी अडमायरल उससे बोलता है कि तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास्ट में जो तुमने किया था उसे देखते हुए कोई भी इंसान तुम्हें अपनी फुल सिंसियरिटी कैसे दे सकता है। और इसके अलावा मैं तुम्हें अपना पूरा प्यार दे दूँ, इसके अलावा जब तुम बोर हो जाते हो तो तुम मुझे फेंक देते हैं ना। तभी चांगली उसे बोलता है कि नहीं, मैं चेंज हो रहा हूँ लेकिन तुमने कभी भी देखा ही नहीं मेरे अंदर के चेंजेस को। तभी अडमायरल उसे देखने लगता है और उससे बोलता है कि मैंने देखा था तुम्हारे अंदर के चेंजेस को, इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया था तुम्हारे साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाने का। तभी चांगली उससे बोलता है कि क्या इसका मतलब तुम मुझे चांस दे रहे थे। तभी वो सोचता है कि अगर अडमायरल जो नॉर्मली घर आता वापस बिना अमनीशिया के तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशनशिप था वो एंड नहीं होने वाला था, बल्कि इसकी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती थी। तभी फिर वो अडमायरल से बोलता है कि यार तुम सच बोल रहे हो। तभी जो अडमायरल है वो उससे बोलता है कि हाँ, मैंने सोचा था हम दोनों ही एक दूसरे को चांस देंगे। तभी चांगली उससे बोलता है कि क्या तुम सिंसियर हो, तुम ऐसा इसीलिए तो नहीं बोल रहे ना क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी अडमायरल उससे बोलता है कि हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हूँ। और वो उसकी ओर स्माइल करते हुए देखता है तो फिर चांगली ब्लश करने लगता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि क्या तुम सच में मेन कैरेक्टर अडमायरल हो। तो फिर जो अडमायरल है वो उससे बोलता है कि तुम मेरी दूसरी पर्सनैलिटी को रेफ़र क्यों कर रहे हो। तो चांगली उससे बोलता है क्योंकि मैंने हमेशा से यही सोचा है कि सिर्फ तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी ल्यू तो ही मुझसे इस तरह की बातें कर सकती है। तभी अडमायरल उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन इस टाइम पर सिर्फ मैं ही हूँ, जो कि अडमायरल का
एडमायरल है और मेरा नाम ल्यूटो है, तुम्हारा असली हस्बैंड। तभी वो उसे बोलता है कि जो सेकंड पर्सनालिटी जिसे तुम प्यार करते थे वो कम्प्लीटली मैंने उसे वाइप ऑफ कर दिया है। तभी चैंगली उसे देखने लगता है और फिर एडमायरल उसे किस करता है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैंगली है ना वो सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ल्यूटो मुझे किस कर रहा है, क्या ये सच है या फिर मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। तभी एडमायरल उससे थोड़ा दूर होता है और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम अभी समझ गए मेरा मतलब क्या था। और हम देखते हैं जो एडमायरल है उसका पूरा फेस रेड हो जाता है क्योंकि वो ये सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करता था। तभी जो चैंगली है ना वो उससे बोलते हैं कि तुम कब से, असल में वो कहना चाहता था कि तुम कब से मुझे लाइक करना स्टार्ट किए थे, लेकिन वो उससे कह नहीं पाता और उससे बोलता है कि तुमने कब से अपने माइंड को चेंज करना शुरू कर दिया मेरे लिए। तभी जो एडमायरल है वो उससे बोलता है कि जब से मैंने रियलाइज़ किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस आने लगे हैं तभी से मेरे जो थॉट्स हैं तुम्हारे लिए सभी चेंज होने लगे। तभी जो चैंगली है वो उसे देख रहा होता है तो एडमायरल ना पीछे से जाके उसके लिए एक बैग लेकर आता है और उसे बोलता है कि इसमें तुम्हारे क्लोथ्स हैं, मैंने इन्हें क्लीन कर दिया है, ड्राई क्लीन कर दिया है, तुम इन्हें भी चेंज कर सकते हो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। तभी चैंगली उससे ले लेता है और फिर जैसे ही वो अपनी रोब को उतारने लगता है वो सोचते हैं कि क्या ये सही होगा, क्या मैं इसके सामने अपने क्लोथ्स चेंज कर सकता हूँ, कहीं ये तो नहीं सोचेगा कि मैं इसे अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वो रुक जाता है। तभी जो एडमायरल है ना वो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी बैली को देखने दो। तभी जो चैंगली है वो अपनी रोब को थोड़ा साइड में हटाता है और उसे अपनी बैली देखने लेता है और जो एडमायरल है वो उस बैली को टच करता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो एडमायरल है जैसे ही उसकी बैली को टच करता है तो चैंगली को इरेक्शन हो जाता है। तो फिर जो एडमायरल है वो उसे कन्फ्रंट करता है। तो फिर चैंगली उसे बोलता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि हमने बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे को टच नहीं किया तो इसलिए। तभी एडमायरल उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ। तभी जो चैंगली है वो उसे गले लगाता है और उसकी हेल्प करता है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो उसे किस पे करता है। तभी जो चैंगली है ना वो सोचता है कि जो एडमायरल है वो सच में मेरी हेल्प कर रहा है। और इसके अलावा जो पहले प्रीवियसली उसे हमारा जो फिज़िकल कॉन्टेक्ट था वो पसंद नहीं था, तभी वो सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है जो एडमायरल है उसके दिल में सच में मेरे लिए फीलिंग हो या फिर थोड़ा सा वो मुझे पसंद करता हो। तो फिर यही चीज़ें सारी वो सोच रहा होता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं चैंगली उससे बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ। तो फिर एडमायरल मना कर देते हैं और वॉशरूम में चला जाता है। और जैसे ही वो आता है तो चैंगली उसे वो पूछता है कि क्या तुम्हारी जो बॉडी है वो अभी स्टेबलाइज है। और फिर वो उससे बोलता है कि जैसे ही हम वापस जाएंगे ना एम्पायर प्लैनेट पे मैं डॉक्टर के पास तुम्हें चेकअप करने के लिए लेकर जाऊँगा। और फिर वो उससे बोलता है कि वैसे भी 4 मंथ्स लग जाते हैं ऐसा पता करने में। तभी जो चैंगली है ना वो विश्वास करता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तभी एडमायरल उससे बोलता है कि क्या तुम्हें अभी समझ में आया। तभी जो चैंगली है वो बोलता है कि क्या। तो फिर एडमायरल उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इसीलिए वापस फाइंड करने नहीं आया था क्योंकि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता था, इसीलिए आया था क्योंकि मैं चाहता था कि हम जो हमारी पार्टनरशिप है उसे कंटिन्यू कर सकें, हमारी मैरिज लाइफ को कंटिन्यू कर सकें। तभी जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि ल्यूटो क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो। तो फिर एडमायरल उससे बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ तुम्हें पसंद। तभी जो चैंगली है ना वो उससे बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, मैंने कभी भी ऐसा फेल्ट नहीं किया, मुझे ऑलवेज लगा जैसे कि तुम मुझे हेट करते हो। तो फिर जो एडमायरल है वो उससे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं था। और फिर वो उसे डायरेक्टली बोल देता है कि लेकिन तुम्हारा पास्ट का बिहेवियर था ना वो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगता था। तो ये बात सुन के ना जो चैंगली है ना उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन तभी जो एडमायरल है वो उसे बोलता है लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये बात सच है। और फिर वो हम देखते हैं वो ब्लश कर रहा होता है और उसे बोलता है कि जब मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था ना, जब तुम फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे तो सच में तुम्हारी जो अपीयरेंस थी वो बहुत ही धोखा देने वाली थी, मैंने तुम्हें जब देखा तो मुझे लगा कि कोई एंजल आ रहा है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम कि क्या एडमायरल को जो चैंगली है वो फर्स्ट डे में ही पसंद आ गया था या फिर नहीं। अभी से उसकी थोड़ी थोड़ी हमारी पास्ट लाइफ की स्टोरी भी हमें सामने आएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।